हेलो बच्चों, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ऑफ 5000 केजी रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग्स, द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड फुल स्टॉप टू गिव एन इनिशियल एक्सेलरेशन अपवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी। इसमें आपको जो मास है रॉकेट का वो दे रखा है और ये है 5000 kg। ओके, और जो भी है स्पीड जो होती है एग्जॉस्ट स्पीड हम जिसको बोलते हैं वो है आपको 800 मीटर पर सेकेंड है। ओके, दूसरी बात है कि जो इसका एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है इनिशियल एक्सेलरेशन वो है आपको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पर रॉकेट का जहाँ प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे जो एप का जो बात होती है वो ये वाली होती है। एप जो होती है वो भी होती है और dm/dt होती है, ये वाली बात। सवाल है कि आपको पूछा क्या है, तो आपको पूछा है dm/dt पूछा है। dm/dt = what, ये सवाल पूछा है। जबकि मास ऑफ रॉकेट जो है वो इतना दिया हुआ है, तो कैपिटल एम मान लेते हैं, है ना, या हम जो एग्जॉस्ट जो स्पीड है ना उसको dm/dt मान लेते हैं, है ना, जो फ्यूल किस रेट से नीचे के तरफ है ना आ रहा है उसका ये रेट है। ओके, तो अब बात है कि रॉकेट ऐसे सेटअप किया गया है, मान लीजिए कि इस तरह से रॉकेट है। ओके, और ये है ग्राउंड, है ग्राउंड है, यहाँ से क्या निकालेगा, ये ऐसे 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 आपको पता ही है, ऐसे निकालेगा फ्यूल आएगा, फ्यूल जो है इधर आएगा, फ्यूल माने dm/dt नीचे की तरफ काफ़ी स्पीड से आता है। तो तब आता है तो ये क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, यही फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इधर ऊपर की तरफ, समझे बच्चे, कहाँ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये रॉकेट कहाँ जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, समझ में आई बात। ओके, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं एफ, ऊपर की तरफ एफ भी लगा हुआ है और नीचे में क्या लगेगा, कैपिटल एम इंटू जी इसका वेट, और इजिकल टू क्या होगा, कैपिटल एम इंटू ए। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं एफ इजिकल टू कैपिटल एम इंटू जी प्लस कैपिटल एम इंटू ए। तो हमको क्या निकालना है, आपको पता है g+a, और इसको इसके बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे v dm1 और dm/dt। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों dm1/dt = M/v और g+a ऐसा। तो dm1/dt = M जो है वो है आपको 5000, तो 5000 यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 800, कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ पर एक्सेलरेशन को 20 लिखेंगे, तो ये हो गया 30 हो गया, ये हो गया 5, ये 20 से कट जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50/8 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 30, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चे 15। फिर इसको और छोटा अगर हम करें तो ऐसे हो जाएगा dm1/dt = ये हो जाएगा 50 से कैंसिल करेंगे इसको, तो ये हो गया 2, ये हो गया बच्चों 25, क्लियर, तो ये हो गया आपको 15, ये हो गया 25/2। अब इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा, ये आएगा 12.5 आएगा। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना 15 × 12.5, इसको 12.5 में अगर 15 से आप करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, और फिर ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, क्लियर है, और यहाँ पर मिलेगा आपको 5 और यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा 1, है ना,
तो यहाँ पर मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 7 और यहाँ पर मिलेगा 8, यहाँ पर मिलेगा 1 और यहाँ पर कितने पॉइंट है बच्चे, 1 पॉइंट है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 187.5 केजी पर सेकेंड, यही आंसर होगा। क्लियर है? अच्छा सवाल है, ऐसे रॉकेट वाला प्रॉब्लम आते रहता है ना, है ना भाई। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 भी कुछ ऐसा ही है, छोटा है, यहीं पकड़ के देखो। 12 करेंगे, फोर्स ऑफ 6 न्यूटन्स एक्ट ऑन अ बॉडी एट रेस्ट एंड मास 1 के जी ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेंड्स द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। मतलब कि आपको क्या करना है कि टाइम निकालना है, वो काफ़ी सिंपल है। यू कितना है बाबू? 0। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है इसका, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं दिया है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1 केजी दिया हुआ है और एफ इक्वल टू जो है वो आपको 6 न्यूटन दिया हुआ है। क्लियर है? तो आपको टाइम निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। भी आपको दे रखा है, फाइनल स्पीड आपको दिया हुआ है, वो है आपको 30 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले एफ इज इक्वल टू आप एम ए कीजिए और ए बराबर क्या करिए बच्चों, एफ बट एम कर दीजिए। तो ए इज इक्वल टू एफ है 6 और ए है 1, तो ए हो गया आपको 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भी आप आसानी से निकाल सकते, ए निकाल सकते हैं, ए निकल गया तो आप लिखेंगे यू प्लस ए टी, ये 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी इज इक्वल टू जो आप लिखेंगे टी, वो मिलेगा आपको भी डिवाइडेड बटे ए। तो टी इज इक्वल टू हो गया, भी का वैल्यू हो गया 30 और ये हो गया 6, तो ये हो गया आपको 5 सेकेंड हो गया और यही हो गया आंसर। क्लियर है? 5 सेकेंड हो गया क्या आंसर हो गया, गुड आउट। तो ये सवाल था आपका। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन आसान है, अगर आप समझते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जब भी जेई मेन का या नीट का या किसी का भी आप क्वेश्चन सोल्व करिए तो सबसे ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को समझिए। अगर आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप समझिए कि 50% सोल्यूशन आपके पास है और 50% में आपको अप्लाई करना है, बस मतलब अटेम्प्ट करिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये जरूरी आप याद रखें, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को जल्दी भूलेंगे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, अ 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी प्रोड्यूस इन इट एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बताना है कि इसमें मास कितना होगा। तो एफ इक्वल टू जो है वो है 10 न्यूटन है और इसके अंदर एक्सेलरेशन आया है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप एफ बराबर क्या लिखिएगा, एम ए लिखिएगा, तो फिर एम इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, एफ डिवाइडेड बटे ए लिखिएगा। तो एम इज इक्वल टू एफ, तो एफ का मतलब हो गया 10 डिवाइडेड बटे 1, तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 केजी हो गया। तो ये हो गया आंसर यहाँ पर। ओके, फिर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि अ फोर्स अप्लाइड ऑन द मास इज रिप्रेजेंटेड बाई 6i - 8j + 10k एंड एक्सेलरेशन विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द मास, पहले बात की देखिए फोर्स कितना है। फोर्स है बच्चों 6i - 8j + 10k और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है मास। तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि मास तो स्केलर ना है तो इसको मैग्नीट्यूड बना देते हैं। 6 का स्क्वायर अब -8 इसका स्क्वायर अब +10 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपको 36 अब +64 +100, तो ये हो जाएगा आपको 100 अब +100, तो ये क्या हो गया 100 +100, तो ये हो गया 10 अ रूट अंडर 2, ये हो गया एफ इतना न्यूटन। एफ इज इक्वल टू हो गया 10 रूट 2 न्यूटन। ओके,
उसके बाद आपको क्या करना है कि मास निकालना, ठीक है। तो एफ बराबर क्या लिखना होगा, एम ए लिखना होगा। तो एम इजिकल टू क्या लिखना होगा, एफ बटे ए लिखना होगा। तो एम इजिकल टू एफ का मतलब 10√2 डिवाइडेड बटे 1। तो ये हो गया एम इजिकल टू 10√2 kg। इसको लिखेंगे 10√2 kg। ओके, अब क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 kg/s। दिस फ्यूल इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विथ द वेलोसिटी ऑफ 60 m/s। ओके, दिस एग्जर्ट फोर्स ऑन द रॉकेट इज इक्वल टू, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आपको dm अपॉन dt दिया हुआ है। रॉकेट का एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ये कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेगा। 1 kg/s ये दिया हुआ है। ओके, उसके बाद है बच्चों यहाँ पर कि जो भी है वो 60 km/s है, यानी 60 × 10³ m/s। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 × 10⁴ m/s ये हो गया भी। क्लियर। तो व्हाट विल बी द मास ऑफ द, सॉरी, द एग्जर्ट ऑन अ फोर्स ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू। तो काफ़ी सिंपल है, इसमें हम बताए थे कि फ्यूल वाला केस में ऐसे फोर्स लिखते हैं dm/dt, यानी एफ इज इक्वल टू भी 6 × 10⁴ dm/dt, मतलब कि एक। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 6 × 10⁴ न्यूटन, ये हो गया क्या आंसर, ये आंसर हो गया। क्लियर। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अ सैटेलाइट इन अ फोर्स फ्री स्पेस स्विप्स स्टेशनरी इंटरप्लानिटरी डस्ट एट द रेट ऑफ dm/dt इज इक्वल टू अल्फा, वेयर m इज द मास एंड v इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड अल्फा इज द कॉन्स्टेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज। अब यहाँ पर देखिए dm/dt है क्या, dm/dt क्या है बच्चों, dm/dt इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा इंटू भी, अभी फोर्स न होता है। अगर इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ नाउ भी कर दे इधर, dm/dt इज इक्वल टू यहाँ पर भी अल्फा इंटू भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी भी। तो ये देखो तो ये क्या है, ये फोर्स न है, तो इसको क्या करेंगे फोर्स, लेकिन ये जो है रिटार्डिंग फोर्स हुआ, रिटार्डिंग फोर्स। अब ये रिटार्डिंग फोर्स क्यों है, ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, मतलब ये डस्ट पार्टिकल के लिए की वजह से ये रिटार्डिंग फोर्स हो गया। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस एफ इज इक्वल टू अल्फा इंटू भी का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे माइनस एम इंटू ए इज इक्वल टू अल्फा और भी का स्क्वायर, मतलब हमको एफ बराबर उसको एम ए कर दिया मैंने, तो हमको क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन चाहिए था। तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करेंगे, एफ बराबर एम ए तो लिखेंगे ना, तभी तो एक्सेलरेशन आएगी। तो आप यहाँ से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर दोनों तरफ आप एम से डिवाइड कर देते हैं तो आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, समझे बात को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू भी स्क्वायर डिवाइडेड बटे एम, यही हो गया क्या आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, 17। कह रहे कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, इट इज गिवन एन इम्पल्स सच दैट इट्स वेलोसिटी बिकम्स v2, द इम्पल्स इज इक्वल टू। देखिए कोई पार्टिकल है और मान लीजिए कि उसका वेलोसिटी em1 हो सकती है या cm वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या है सेम है, सॉरी मास सेम है ना, मास m है, इसका वेलोसिटी आपने क्या दिया है v1 दिया हुआ। अब इसी को आपका वेलोसिटी क्या हो गया v2, तो v2 कब होगा, जब इसको मान लीजिए कि आप किसी से इसे फोर्स एग्जर्ट करिएगा, मान लीजिए फोर्स एग्जर्ट कर दिया तभी ना हुआ इसमें चेंज। तो कह रहा है कि चेंज इन इम्पल्स, इम्पल्स क्या होगा,
तो इम्पल्स इज इक्वल टू, आप जानते ही हैं कि हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं। तो जो मोमेंटम में चेंज आएगा वही होगा चेंज इन मोमेंटम। तो जो चेंज मोमेंटम में आएगा वही इम्पल्स कहलाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे एम वी टू माइनस एम वी वन, एम वी वन है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे एम और यहाँ पर क्या लिखेंगे वी टू माइनस वी वन। मैग्नीट्यूड अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या रखना पड़ेगा आपको, मॉड रखना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए इसमें ये वाला है, इसका डी आंसर होगा। आंसर कौन होगा याद रखेंगे, आंसर जो होगा वो डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर डी आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 60 केजी रॉकेट इज सेट फॉर अ वर्टिकली फायरिंग, इफ द एग्जॉस्ट स्पीड दिया हुआ है 1000 मीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट इज। तो इसमें भी क्या है, इसमें कोई एक्सेलरेशन की बात नहीं क्या है, है ना। तो इसमें डायरेक्ट आप अप्लाई क्या करेंगे कि आप एग्जॉस्ट, जैसे इसमें कह रहा है ना कि वेट को बैलेंस कर लिया, इन कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से कोई एक रॉकेट है, समझिएगा ये रॉकेट है, तो इधर आपको क्या आता है पता है, डी एम अपन डी टी आता है और इसका अपना एक मास होता है, उस मास के वजह से नीचे में क्या लगती है एम जी लगती है। और जब ये रॉकेट आएगा और ज़मीन पे जब टकराएगा तो ये खुद एक फोर्स एग्जर्ट करेगा एफ, और इस वेव इसके वजह से एक्सेलरेशन ऊपर होता है। लेकिन ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब कि ये भी कॉन्स्टेंट से ऊपर चलेगी, समझे बात को। तो वेट को बैलेंस कर दिया, मतलब कि वेट ओवर कर लिया। ओके, तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं तो ऐसे सवालों में इक्वेशन जब लिखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, ये समझिए। सवाल में क्लियर कह दिया है कि जो वेट है उसी के अकॉर्डिंग ये बैलेंस हो जा रहा है। तो ऐसे लिखते हैं एफ लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे एम इंटू जी लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, एक्सेलरेशन को क्या लिख देंगे जीरो लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो आपको पता ही है कि स्मॉल डी एम अपन डी टी, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस कैपिटल एम इंटू जी बराबर जीरो। तो भी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, डी एम अपन डी टी हो गया इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू जी हो गया। आप थ्योरी पढ़े होंगे तो इसको समझते होंगे, ये है मास ऑफ रॉकेट, ये रेट है, रेट ऑफ फ्यूल है ये, है ना, फ्यूल किस रेट से आ रहा है, और ये है मास ऑफ रॉकेट, ये ध्यान रखिएगा मास ऑफ रॉकेट है। ओके, अब सब कुछ आपके पास दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ मैं लिख देता हूँ। भी आपको दिया हुआ है 1000 मीटर पर सेकेंड, मास जो दिया हुआ है वो है 600 केजी, और जी का वैल्यू आप समझ ही रहे हैं, या तो 9.8 ले लीजिए या तो आप 10 ले लीजिए, अब जो लेना है आपको ये निकालना, कुछ नहीं दिया है तो 9.8 ही लेना पड़ता है। तो डीएम अपन डीटी इज इक्वल टू मास, मास है 600, जी का वैल्यू कितना है 9.8, इधर कितना है बच्चों भी का वैल्यू, नीचे आ गया भी, तो भी हो जाएगा 1000, ये शायद 600 है ना, तो यहाँ से दो जीरो कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पर क्या होगा 8 × 6 = 48 होगा, तो यहाँ पर 8 हो गया, और 9 × 5 = 54 हो गया, और 54 और यहाँ 58 पॉइंट, और यहाँ पर हो गया 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.88 केजी पर सेकेंड, और ये हो गया आंसर। तो देखो भाई इसमें आंसर क्या है, इसमें तो आंसर है 5.5, हाँ नीचे में दिया हुआ है सी में 6 केजी दिया हुआ, देख रहे हैं ना, तो 6 केजी पर सेकेंड आप लिख सकते हैं, है कि नहीं, इसी को आंसर कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना, इसकी थ्योरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि इसी के थ्योरी ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं,
है ना भाई। तो मैं इसको नोट में आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसके जानकारी आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा जानकारी। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। क्या है क्वेश्चन थोड़ा समझिए। 19 नंबर क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देते हैं पूरे डिटेल से। करें कि अ रिजिड बॉल ऑफ मास स्मॉल एम स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल एट 60 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी। सबसे पहली बात कि इम्पल्स से आप क्लियर है कि वो चेंज इन मोमेंटम की बात करता है। तो इस तरह से एक दीवार है और इस तरह से एक बॉल आ रहा है और इस तरह से वो रिबाउंस हो जा रहा है। तो जितना वेलोसिटी से वो आ रहा है उतना ही वेलोसिटी से वो रिबाउंस भी हो रहा है। मास भी सेम है और ये वाली एंगल और ये वाली एंगल सेम है, कोई डाउट नहीं। तो इस ये हो गया पी इनिशियल। तो पी इनिशियल को बाबू ऐसे हम लोग लेके जाते हैं, आपको पता है। यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर एम हो गया। अब ये वाली थीटा है, ये थीटा है ये, तो ये भी कितना हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, पता है आपको। तो इसका पी इनिशियल एम इंटू वी कॉस थीटा इधर आएगा और इसका फाइनल जो आएगा एम इंटू वी साइन थीटा इधर आएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं पी इनिशियल एक्स में, इसको लिखते हैं पी इनिशियल वाई में, और फिर लिखते हैं क्या इधर P फाइनल x में वो क्या मिल रहा है, m इंटू वी कॉस थीटा। और इसमें मिल रहा है क्या P फाइनल y इज इक्वल टू m इंटू वी साइन थीटा। समझ में आया। तो इसमें कोई चेंज हो रहा है, नो चेंज हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज किस में हो रहा है, देखिए वेक्टर लीजिएगा तो इधर i है तो इधर माइनस i कैप हो जाएगा, ओके। इधर क्या है, i है, तो इधर प्लस i है, इधर माइनस i, यही चेंज हो गया। तो चेंज इन इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम ही क्या देता है, इम्पल्स देता है, आपको पता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, P फाइनल लिखिएगा माइनस P क्या लिखिएगा, इनिशियल लिखिएगा चेंज इन इम्पल्स में। तो फाइनल कौन है, यही ना है m इंटू वी कॉस थीटा माइनस i माइनस m इंटू वी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया बच्चों i। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2m इंटू वी कॉस थीटा माइनस आई। तो अब माइनस आई क्या बता रहा है, माइनस आई बता रहा है कि एलोंग निगेटिव होगा, एलोंग निगेटिव डायरेक्शन, मतलब माइनस एक्स के तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो डेल्टा पी वेक्टर बराबर 2m इंटू वी कॉस, कुछ थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या दिया बच्चों 60 डिग्री। तो 2 इंटू एम इंटू वी इंटू 1 बटे 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा क्या m इंटू वी, और यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, समझ में आया आपको बात। जब अंदर से एंगल होगा तो ऐसा होगा, ये हो गया आंसर, ओके। अब यहाँ देखो भाई नोट में, यह नोट रख लो कि अगर ऐसा है और ये नॉर्मल हो गया और ये, और थीटा इधर से है, इधर थीटा से है, यहाँ पर m हो गया, ये v हो गया, यहाँ पर m हो गया और यहाँ पर v हो गया, ओके। तो m और ऐसा हो गया, तो इसमें जो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू एम इंटू वी इंटू साइन थीटा। ये कोई कठिन नहीं है, यहाँ पर cos थीटा आया है ना, तो बस इस एंगल को पकड़ने के लिए, ये एंगल दिया हुआ है, इस एंगल को पकड़ने के लिए 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन में आएगा आंसर, उसका कॉस में आएगा, ओके। अच्छा सवाल था। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर यही इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें है कि हॉरिजॉन्टली फेंका है, मिटाते बच्चों इसको। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, मैंने कोई एक बॉडी है उसका मास जो है वो कैपिटल एम है, क्लियर। एक बॉडी है उसका मास कैपिटल एम दिया हुआ है आपको, और वो दीवार से टकरा रही है। अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम हिट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी वी एंड रिबाउंस बैक विथ द सेम वेलोसिटी
इम्पॉर्टेंट द एक्सपीरियंसेस बाय द बॉडी, मैंने इम्पल्स आपको बताना है तो सिंपल है, ये भी फॉर्मूला में ही पुट कर सकते थे वैल्यू को। इसमें कह रहा है कि इस मास को भी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है और टकराने के बाद ये भी वेलोसिटी से ही वापस आ रही है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो पी इनिशियल कितना होगा, कैपिटल एम होगा इंटू भी होगा, फिर क्या होगा, आई होगा। पी फाइनल कितना होगा, इजिकल टू कैपिटल एम होगा इंटू भी होगा और क्या होगा, माइनस आई होगा। ओके, तो डेल्टा जो पी होगा, डेल्टा पी वो क्या हो जाएगा, एम इंटू भी माइनस आई माइनस एम इंटू भी और आई, ऐसा होगा। तो माइनस एम इंटू भी आई माइनस एम इंटू भी आई, यहाँ पर क्या होगा, माइनस टू इंटू एम इंटू भी इंटू आई। ये मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड अगर लिखिएगा तो यही वैल्यू जाएगा, टू टाइम्स मोमेंटम होगा, यानी सी ऑप्शन आंसर होगा। ओके, तो आज मैंने सोल्व किया 11 से लेकर 20 तक 10 क्वेश्चन, तो आप इसको रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।